हेलो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ पर्टिकुलरली मेरी गाड़ी में, वो मैं आपको इस बार वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि एक सबसे बड़ा नेगेटिव लगा लो इस गाड़ी के अंदर, वो फोर्थ जनरेशन के अंदर भी था, कि गाड़ी के बम्पर के लॉक्स की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल थर्ड क्लास है। अब ये नई नवेली गाड़ी है, इसको मैंने जनवरी में, लगभग 25 जनवरी को परचेज करा था, डिलीवरी ली थी, तो अब कितने मई चल रही है, लगभग आप लगा लो 4 महीने हो गए, 4.5 लगा लो मैक्स टू मैक्स। लेकिन अब बात करें, ये गाड़ी कहीं से इतनी सी भी टच नहीं हुई, फ्रंट से भी और रियर से भी। इसके बम्पर अपने आप पता नहीं क्या, मैंने ये होंडा में शायद पहले भी देखा था, नोटिस पहले मैंने इतना नहीं करा कि मैंने कि ये लॉक्स खुल गए, गाड़ी बिल्कुल भी टच नहीं हुई इसके, पता नहीं लॉक्स, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ढीले हो रखे हैं ये, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो तो हल्के हल्के ना यहाँ लॉक बाहर आ रखे हैं इसके, देखो तो, देखो ये दबता भी है। ये गाड़ी कहीं से भी लगी नहीं हुई, बिल्कुल भी हल्की सी भी टच नहीं हुई कहीं से भी, ना फ्रंट से ना रियर से। देखो ये कंपनी ने ऐसा दिया है, पता नहीं क्या चक्कर है, ध्यान से देखो तो पिचक रहा है, दबाने में पिचक रहा है। यहाँ पे लाइंस भी कुछ ज्यादा ही है इस, ये बम्पर्स के अंदर जो ये लाइंस है ना, ये कुछ ज्यादा ही विजिबल है। मैं आपको एक बार लाइट ऑन करके दोबारा दिखाता हूँ फ्रंट से, यहाँ पे भी नोटिस करो तो आप, ये देखो देखो पैनल गैप सा कुछ ज्यादा ही है इसके अंदर, ये गैप बम्पर और लाइट्स के बीच में भी, और यहाँ पे देखो ये बम्पर ही आवाज कर रहे हैं, मैं कोई आवाज नहीं कर रहा, पता नहीं क्या क्वालिटी है। और यार पता नहीं क्या सिस्टम दे रखा है, पिछली जनरेशन में भी यही दिक्कत थी, फोर्थ जनरेशन के अंदर लॉक की क्वालिटी बिल्कुल थर्ड क्लास थी, इसके अंदर भी, चलो वो तो पुरानी गाड़ी थी कहीं टच भी हो रखी होगी, ये तो नई नवेली गाड़ी है तो कहीं से भी टच नहीं हुई, इतने संभाल के चलाता है, कोई भी नई गाड़ी टच नहीं होने देता। ये देखो ये पता नहीं क्यों गैप है, ये देखो गैप बहुत ज़्यादा आई है, मेरे को पता नहीं, फिट फिनिश क्वालिटी बाहर से इनकी बम्पर की तो बिल्कुल भी थर्ड क्लास है। देखो और कई भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई आप नेगेटिविटी नेगेटिविटी पे ध्यान देते हो, नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा बताते हो इसके, ये वो, भाई जो है वो सच बता रहा हूँ मैं तो, पॉजिटिव्स भी बहुत हैं इसके, पॉजिटिव सभी को पता है, मैं नेगेटिव्स के बारे में बना रहा हूँ इस वजह से। एक तो ये भाई क्या कर सकते हैं, अब इसकी जो फिफ्थ, जो इस गाड़ी की जो सर्विस है 5,000 रुपये जो होती है, सेकंड होती है मेरे ख्याल से तो, हाँ सेकंड जो सर्विस है वो फ्री होती है, उसमें जाऊंगा जब दिखाऊंगा इसको। अब ये लगभग कितनी चल गई, ये चल गई है भाई लगभग 4 साढ़े 4, 4,402 किलोमीटर, तो अभी 600 किलोमीटर और है, उसके बाद जब होंडा लेके जाएंगे इसको तब इसको लॉक्स वाली जो दिक्कत है वो दिखाएंगे। ये पता नहीं यहाँ कुछ ज़्यादा है, अरे ये ना बोनट के जो पैनल है ना, थोड़ा सा मेरे को पता नहीं क्यों अब ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है, ये सभी गाड़ियों के साथ है या पर्टिकुलरली इस मॉडल के साथ दिक्कत आई है, ये इसके फर्स्ट डे से ऐसे ही है बम्पर, ये देखो कहीं से, मैं बता तो रहा हूँ कहीं से थोड़ी सी भी टच नहीं हुई है ये गाड़ी, देखो पता नहीं क्या सिस्टम है। और गाड़ियों के लॉक्स की क्वालिटी देख लो उनकी, इससे फार फार बेटर है, पता नहीं कि सस्ता अपना कर रही है होंडा, थोड़े थोड़े दिन में फीचर्स भी काटने लग गई, ये करने लग गई, क्वालिटी भी डिग्रेड करती जा रही है, पता नहीं होंडा क्या करना चाह रही है, मेरे को तो मारुति वाला सिस्टम लग रहा है, बिल्ड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी वैसे अच्छी है लेकिन ये लॉक्स वगैरह जो है ना बम्पर के बहुत गंदे हैं, पिछली जनरेशन के अंदर भी यही था और इसके अंदर भी यही है। मैंने आपने जिन भाइयों ने पिछली वीडियो देखी हो, पहले मैंने एक वीडियो डाली थी फोर्थ जनरेशन के लॉक्स के ऊपर, वो भी बहुत गंदे हैं, और ये भी इसके अंदर भी मैंने आज देखा ध्यान से, मैं नोट करी इसके बम्पर वगैरह तो दबाने पे दब रहे हैं, और ये पैनल गैप कुछ ज़्यादा ही है इनके अंदर गैप्स वगैरह, ये पता नहीं होंडा को सुधार देना चाहिए, थोड़े थोड़े ना ये गंदा लगता है यार इस प्राइस रेंज की गाड़ी में, वैसे गाड़ी ठीक है लेकिन थोड़े थोड़े जो नेगेटिव्स है ना, अगर होंडा ये और सुधार देना तो बहुत बढ़िया हो जाए। अब आप फ्रंट रियर से इंटीरियर देखो, इंटीरियर कितना अच्छा है इस गाड़ी का, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर देखने वगैरह में और कुछ भी नहीं,
भाई ऐसी ऐसी चीजें खराब कर देती हैं इस गाड़ी की फील को, कि भाई लॉक्स वगैरह ऐसे गंदे, हल्की हल्की तो कभी टच होती है। और मैं बताऊं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये गाड़ी कहीं टच नहीं हुई, ना फ्रंट से हुई है ना रियर से हुई, कहीं से थोड़ी सी भी टच नहीं हुई। 4,000 चली है ना ये, बिल्कुल इतनी सी भी टच नहीं हुई, मैं आपको गारंटी लेता हूँ ये बिल्कुल भी टच नहीं हुई। फिर भी इसके अंदर ये लॉक जो है निकल गए, ये डिलीवरी के फर्स्ट डे पे थे मेरे ख्याल से, या फिर ये बाद में हुए हैं, चल चल के पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन ये लॉक निकलने शुरू हो गए, जो कि यार बहुत गंदी बात है। ये होंडा को सुधार देना चाहिए। और गाड़ियों के लॉक्स देख लो, स्कोडा के देख लो, और फॉक्स वैगन के देख लो, कितने अच्छे अच्छे बम्पर की क्वालिटी उनकी, ये लॉक्स इतने गंदे दे रखे हैं मारुति की तरह, एक बार निकल जाते हैं तो फिर वो पूरा लॉक का पैनल होता है वो चेंज होता है, नहीं तो फिर ये आदमी चेंज ही कराता रह जाएगा। ऐसी हल्की मुल्की तो लगती रहती हैं कहीं गाड़ी, ये तो फिर भी बिना ही लगे इसका बम्पर का लॉक जो निकलने ढीला होने लग गया, अब इसका तो कोई इलाज नहीं। अब पता नहीं यार इसका क्या कर सकते हैं, कोई इलाज भी नहीं इसका ऐसे। अब वहां पे जाऊंगा तब ये पता नहीं क्या बम्पर के लॉक टाइट करेंगे, खोल के फिर दोबारा से बम्पर को लगाएंगे और फिर अच्छे से टाइट करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, वो कई देर इसमें ले लेंगे, पता नहीं क्या सिस्टम रहेगा उनका वो। जब मैं आपको जाऊंगा, जब इसकी मैं ये 5,000 रुपये सर्विस करवाऊंगा, उसकी भी मैं पक्का वीडियो डाल दूंगा। लेकिन पता है दिक्कत क्या आती है, वो वीडियो नहीं बनाने देते अंदर, जो उनकी जो एरिया वगैरह है ना सर्विस का, मैंने सबसे बात कर ली, मैनेजर भी कहते हमें ऊपर बात करनी पड़ेगी, ये वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने देते। वो थोड़ी मोड़ी क्लिप है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अगर मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो, वो तब देखेंगे। लेकिन ये लॉक्स की क्वालिटी होंडा को ज़रूर सुधारनी चाहिए, बहुत गंदी चीज़ है यार। मतलब क्या है ये गाड़ी, 13 लाख की पड़ती है ऑन रोड लगभग, फिर भी ऐसी गंदी क्वालिटी दे रहे हैं, इसके अंदर क्या कॉस्ट कटिंग करोगे तुम, मेरे तो समझ से बाहर है यार। तो छोड़ो यार, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये अपने आप ही सुधारेंगे जब कोई लॉ वगैरह बनेगा ना, कि भाई गाड़ी की क्वालिटी जो है एक स्टैंडर्ड से कम नहीं होनी चाहिए, जैसे मारुति वगैरह हुंडई वगैरह, ये होंडा भी अब डिग्रेड करना शुरू कर रही है इन चीज़ों को, जो है लेवल जो है नीचे आता जा रहा है इन चीज़ों का, तब जाके सुधरेंगे, इनका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो आम जनता होता है ऐसी तंग होती रहेगी, जो गाड़ी को ओनर्स हैं, कंज्यूम करते हैं, गाड़ी को यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही दुखी होंगे। इनके यूँ है कि भाई आती जाती रखती लगती रहती गाड़ी, हमारे ठीक है, हमारे रोज आती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। तो चलो भाइयों, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।